सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। मेफेजेस्ट किट को लेने के बाद गर्भपात हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे कंफर्म करते हैं, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू पासी चैंप चैनल, और बिना किसी डिले के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, मेफेजेस्ट किट को अगर आपने लिया है बिल्कुल सही मेथड से, सही तरीके से, अगर आपने इस किट का कोर्स पूरा किया है, तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि जो गर्भपात था वो पूरी तरह से सफल हुआ है या नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह गई है, आप कैसे जानोगे? तो उसके लिए आप काफ़ी सारे टेस्ट करवा सकते हो, और काफ़ी सारे साइन और सिम्टम्स हैं जिनके आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर आप चेक कर सकते हो कि जो गर्भपात था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आपको कोई आगे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो पहले तो मैं आपको कुछ लक्षण, कुछ साइन और सिम्टम्स बता देता हूँ जिनके आधार पर आप टेस्ट करवाने से पहले जान सकते हो कि जो प्रोसेस था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। फिर मैं आपको टेस्ट भी बता दूंगा जिनके आधार पर आप कन्फर्म कर सकोगे कि जो गर्भपात था वो पूरी तरह से सफल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो पहला नंबर पर जो साइन और सिम्टम्स हैं वो है ब्लीडिंग, ठीक है। तो ब्लीडिंग को आप कैसे डिटेक्ट करोगे? तो गाइस देखिए, जो मेफेजेस्ट किट थी, इस किट की जो पहली गोली है मेफेप्रिस्टोन, इस टैबलेट को लेने पर आपको जो गर्भपात का प्रोसेस था वो शुरू तो हो जाता है, लेकिन आपको जो लक्षण होते हैं गर्भपात के वो महसूस नहीं होते। मतलब कहने का है कि ना तो आपको ब्लीडिंग शुरू होती है, ना ही पेट में दर्द शुरू होता है, ना ही मितली आती है, ना ही उल्टी जी कच्चा, ना ही चक्कर, ना ही सिर में दर्द, आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, जो कि गर्भपात के लक्षण होते हैं। लेकिन कई फीमेल्स को बहुत ही कम लाइट स्पॉट देखने को मिल सकता है, या फिर पेट में हल्का दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, ना के बराबर, ओके। अगला, जब आप इस किट की अगली टैबलेट्स को लोगे, मीजोप्रोस्टोल टैबलेट को लोगे, इस टैबलेट को लेने के 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, साथ ही आपको ब्लीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जो कि सामान्यतः 24 घंटे तक ज़्यादा रहती है, और 24 घंटे के बाद ये धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है, और 10 दिन तक ये सामान्य होकर कम हो जाती है, मतलब कि ख़त्म हो जाती है, ओके। तो मीजोप्रोस्टोल टैबलेट को लेने पर जो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा मात्रा में शुरू हुई, और 10वें दिन तक अगर ये कम होकर ख़त्म हो जाती है 10 दिन तक, तो ऐसा माना जाता है कि जो आपका गर्भपात था वो पूरी तरह से सफल हुआ है, ओके। दूसरा है, अगर आपका जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही लाइट है, इस किट को लेने पर आपको बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, जो आपका महीना आता है, जो आपको माहवारी आती है, उस समय की जो ब्लीडिंग है उससे भी कम अगर आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि इस किट ने काम नहीं किया और आपका गर्भपात था वो पूरा नहीं हुआ। साथ ही अगर आपको ब्लीडिंग 10 दिन के बाद भी लगातार हो रही है और ताजी ब्लीडिंग हो रही है आपको, तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो गर्भपात था वो पूरा नहीं हुआ। तो कंक्लूज़न यही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 दिन तक जो भी गर्भपात के लक्षण थे अगर वो होकर कम होकर ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो गर्भपात का प्रोसेस था वो सफल हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात कंफर्म करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी गर्भपात की गोली लेते हो, लेने के बाद जो आपको प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स महसूस होते थे, मतलब कि जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस महसूस होती थी, सुबह के टाइम उल्टी जी कच्चा महसूस होता था, थकान महसूस होती थी, या फिर पेट में भारीपन महसूस होता था, और साथ ही बुखार महसूस होता था, शरीर बीमार महसूस होता था, ये सभी तरह के जो साइन और सिम्टम्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं, ओके। तो ये इशारा करता है कि आपका जो गर्भपात था वो पूरी तरह से सफल तरीके से पूरा हो चुका है, ओके। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये ओनली लक्षण हैं, साइन और सिम्टम्स हैं, कंफर्म करने के तो देखिए टेस्ट ही होते हैं। तो चलिए अब टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला टेस्ट है वो है सोनोग्राफी या फिर अल्ट्रासाउंड, ठीक है।
जो कि आप जिस दिन किट लोगे उसके 14th डे पर आपका अल्ट्रासाउंड डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि गर्भपात का जो प्रोसेस था गाइस, वो 10 दिन तक शुरू होकर ख़त्म हो जाता है और 14th डे पर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस दी जाती है, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि कोई जो प्रेगनेंसी का मटेरियल था वो अंदर तो नहीं रह गया, या फिर आपका जो गर्भपात था वो सफल तरीके से पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे कपल्स हैं या कई ऐसी फीमेल्स हैं जो मजबूरी के चलते अल्ट्रासाउंड को करवा नहीं सकते। ऐसे में आप घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हो और ये कंफर्म कर सकते हो कि आपका जो गर्भपात था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन कई फीमेल्स या कई कपल्स गलती करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने में वो जल्दबाजी कर देते हैं। गर्भपात के होने के 21 दिन तक आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है ये बेटा HCG हार्मोन पर डिपेंड होता है, मतलब ये ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन पर बेस्ड होता है। ये फीमेल में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो प्लेसेंटा से ये हार्मोन लगातार सीक्रेट होता है और ब्लड स्ट्रीम में बना रहता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में बनने के बाद किडनी खून को फिल्टर करती हैं और यही हार्मोन किडनी यूरिन से इस हार्मोन को बाहर निकालती हैं। ऐसी कंडीशन में जब आप किट से यूरिन को टेस्ट करते हो तो ये हार्मोन डिटेक्ट होता है और इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो। ठीक है, तो जब आप गर्भपात करते हो तब ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में एक्टिव रहता है 21 दिन तक। तो अगर आप 21 दिन के आसपास इस किट से यूरिन को टेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको हल्की पिंक लाइन देखने को मिले। इसीलिए अगर आप घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट 28 दिन के बाद ही करना चाहिए, जिससे आपको सही रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।